हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लास्ट लेक्चर में मैंने वेक्टर्स के बारे में बताया था, ट्रायंगल लॉ के बारे में बताया था, वेक्टर्स की बड़ी सारी टाइप्स बताई थी, और अब मैंने कहा था आपको पैरेललोग्राम लॉ बताऊंगा मैं। राइट यार, बहुत आसान है अगर आप लोगों ने ट्रायंगल लॉ ढंग से कर लिया ना। अगर नहीं करा तो वीडियो देख लो ट्रायंगल लॉ के, अगर आपको आता तो फटाफट से कंटिन्यू करते हैं। ट्रायंगल लॉ अगर आता तो पैरेललोग्राम लॉ वैसे ही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ डेफिनेशन में चेंज है, एक दो जो थोड़े मोर आपके माइनर चेंजेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। डेरिवेशन बिल्कुल डिट्टो, कॉपी पेस्ट, समझ रहे हो, कॉपी एंड पेस्ट है और कुछ भी नहीं है उसके अंदर। डेरिवेशन बिल्कुल सेम चलती है, हर एक सारे पॉइंट सेम चलते हैं। मैं एक बार फटाफट से आपको समराइज भी करवा दूंगा। मेन जो आती है उसकी डेफिनेशन में जो चेंज है वो क्या है, थोड़ा मीनिंग अलग है लेकिन डिराइव करने का वे बिल्कुल सेम है। और पेपर में बस आइडेंटिफाई यही करना होता है कि ये ट्रायंगल है या पैरेललोग्राम लॉ। वैसे मोस्टली क्वेश्चंस आपको पैरेललोग्राम लॉ के ऊपर मिलने वाले हैं। स्टार्ट करें, देखो कुछ भी नहीं करना है यार, मैंने वो डेरिवेशन भी रब नहीं करी है जो मैंने लास्ट टाइम कराई थी, क्योंकि आनी सेम है यार, क्यों डबल डबल मेहनत क्यों करनी है। फिर आप लोग करते रहना नोट, आप लोगों का पेपर है मेरा नहीं है। तो बात यह है, पैरेललोग्राम लॉ जितना इंपॉर्टेंट ट्रायंगल लॉ था इतना यही है। तो दिस इज योर पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ में देखो डिफरेंस क्या है। बेसिकली अगर आप डिफरेंस देखते हो, बताता हूं आपको इसमें क्या होता है। आपके दो एडजेसेंट साइड्स जो होंगी, एडजेसेंट साइड्स, समझना ध्यान से ये चीज, एडजेसेंट साइड्स, ये मैंने एडजेसेंट साइड्स ले ली, ये जो एडजेसेंट साइड है ओपी एंड लेट दिस बी ओपी क्यू एस हो गया, तो ये ले लेते हैं हम, चलो एक्स ले लू, चलो टी ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। टी इफ, ध्यान से सुनना, पैरेललोग्राम लॉ है, चलो मैं इसे कंप्लीट कर देता हूं। पैरेललोग्राम बन गया आप लोगों का, ये रहा। क्या डिफरेंस है, अगर आपके पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स, ये वाली और ये वाली, आर रिप्रेजेंटेड बाय टू वेक्टर्स, राइट, then the resultant is represented by the diagonal of the parallelogram. ये है parallelogram law of vector addition. Repeat करता हूं, अगर आपकी parallelogram की दो adjacent side, adjacent मतलब होता है एक साथ लगती हुई, ठीक है, जैसे ये और ये adjacent है और ये और ये adjacent है। यहां पे हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, इसकी और इसकी, अगर दो adjacent side parallelogram की दो मतलब दो पैरेललोग्राम की दो जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो उसी पैरेललोग्राम का डायगनल होगा। क्या होगा, उसी पैरेललोग्राम का डायगनल, याद रखोगे ये चीज, ठीक है। दो अलग अलग वेक्टर्स एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करें तो उनका डायगनल जो है पैरेललोग्राम का वो क्या होगा, उनका रिजल्टेंट। ट्रायंगल लॉ में क्या था कि एक वेक्टर ये है एक ये है तो रिजल्टेंट ये है, यही था कि अगर आपके ट्रायंगल की दो साइड से दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे, तो तीसरा जो होगा वो क्या होगा, उसका रिजल्टेंट हो जाएगा। कंडीशन ये थी दोनों सेम ऑर्डर में ये होना चाहिए और जो रिजल्टेंट है वो अपोजिट ऑर्डर में होगा। ऐसे यहाँ पे ये है और ये है, आप लोगों को दिख रहा है। अब आगे क्या करना है, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन पार्ट जो है, पैरेललोग्राम तो हमें बताना ही है, बना लिया हमने, ठीक है। ये बी है तो ऑब्वियसली ये भी बी होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये और ये इक्वल है। ध्यान से देखना, ये भी ऊपर है ये भी इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या है, बी एक वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए, समझने वाली बात मेन यही है। सिमिलरली जब ये और ये इक्वल है तो ए और ए ये भी इक्वल होगा, अगेन पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है, समझ रहे हो ये चीज। तो अब आप अगर देखोगे मेरे पास ये ए है, ये बी है, ये आर है, ये भी बी है, ये भी बी है, सॉरी ये बी है और ये ए है, ठीक है। आपको करना क्या है, सिर्फ डायग्राम में चेंज करना है। डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया कि दो एडजेसेंट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की जो दो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसे, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो डायगनल से रिप्रेजेंट होगा, ये आप डेफिनेशन में लिख दोगे, राइट। उसके बाद आपको थोड़ा सा ये बताना होगा कि ये साइड मैंने इस साइड के इक्वल ले लिया और ये साइड मैंने इसके इक्वल रखी है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, ठीक है। आपको थोड़ा सा कहां मेंशन करना है, आप सपोज करो इसके बाद ही मेंशन कर दो, यहां पर जरूर कर दो दैट OT इज इक्वल टू, OT के ऊपर वेक्टर लगाओ, OT इज इक्वल टू PS B वेक्टर के इक्वल एंड योर
ओपी इज इक्वल्स टू टी एस जो कि आपका ए वेक्टर के इक्वल है, ठीक है। ये एक ए वेक्टर है और एक आपका बी वेक्टर है, ये आप मेंशन करो। आगे मैंने यूज कर रखा है पी एस और टी एस, मतलब आप मैंने ओपी और पी एस यूज कर रखा है, आगे ओपी और पी एस मैंने यूज कर ही रखा है, तो आप आगे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये आपके डेरिवेशन बिल्कुल ट्रायंगल लॉजिक बिल्कुल सेम है। जिसने नहीं देखा उसके लिए मैं फटाफट बता देता हूँ, आपको पहले क्या करना होगा, पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, आपके पास पी एस की वैल्यू है, बेस की वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेन्यूस आपको पता है, फटाफट से बताऊंगा। कॉस थीटा लगाओ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल दो, पी क्यू की निकाल दी। उसके बाद मेरे को एस क्यू की वैल्यू निकालनी है, मैं ऐसा निकाल क्यों रहा हूं इनकी वैल्यूज, बिकॉज मेरे को इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस लगाने, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, ताकि मेरी इसकी वैल्यू आ जाए, ठीक है। ओ एस रिजल्टेंट की वैल्यू चाहिए ना। उसके बाद मैंने किसकी वैल्यू निकाली, एस क्यू की, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, मैंने देखा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस को कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन जो रेशियो है आपका रिलेट करता है, दैट इज साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यहां से मैंने वैल्यू किसकी निकाली, एस क्यू इज इक्वल टू बी साइन थीटा। सो नाउ वी हैव पी क्यू एंड एस क्यू, जस्ट स्पीड हो गया, कोई बात नहीं। तो आपके पास PQ और SQ की वैल्यू है, नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्रायंगल OQS, राइट। सो OS स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस SQ स्क्वायर, OQ स्क्वायर प्लस SQ स्क्वायर, OP प्लस PQ लिख सकता हूं मैं, OQ को लिख दिया मैंने, प्लस SQ स्क्वायर, चलो ये भी हो गया। अब OS की वैल्यू R लिख दी मैंने, ये ही OS की वैल्यू, OP की वैल्यू कितनी है A, PQ की वैल्यू कितनी है B cos theta, कर दी पुट उसका स्क्वायर, ऐसी SQ की वैल्यू कितनी है दोनों सेम ही आया। आगे फिर मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाले एक साथ करे, क्योंकि वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये लिखा मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया, उसका रूट, दिस इज द मैग्नीट्यूड, ये अमाउंट आया आपका, आर इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो इट मस्ट हैव अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन, सो वी हैव कैलकुलेटेड द मैग्नीट्यूड। एंड इसके बाद मैंने कराया स्पेशल केसेस, थीटा 90, थीटा 0, थीटा 180, थीटा 90 मींस cos 90 दैट इज 0, सो वी आर लेफ्ट विद अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसके बाद व्हेन वी पुट थीटा 0, cos 0 इज 1 व्हिच इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो a स्क्वायर, देन वी आर लेफ्ट विद अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मींस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो इस रूट से कैंसिल होगा, मतलब यार एक दूसरे को एलिमिनेट करते हैं, वो नलीफाई करते हैं दूसरे के इफेक्ट को, आर इज इक्वल्स टू ए बी आ गया, जो कि होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, दोनों ऐड होंगे। मैंने पहले का केस दिखा रखा है, एक परपेंडिकुलर ऐसे, ये ऐसे भी हो सकता है केस, ये केस ऐसे भी बन सकता है, कहीं किसी गड़बड़ में मत रहना, ये चीज ऐसे भी हो सकती है, ये भी हो सकता है ए ऊपर हो नहीं बी नीचे हो, बस परपेंडिकुलर दिखाना दोनों, ठीक है। ऐसे थीटा 180 है तो cos 180 is minus 1, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे cos 180 is minus 1, आप लोगों को याद भी रहेगा, यहाँ पे लिख देते हैं cos 0 is 1 और cos 90 0 है, वो भी आप लोगों को पता है, ठीक है। cos 180 minus 1 लगाया, a square plus b square minus 2ab हुआ, तो a माइनस बी का स्क्वायर हुआ, उस स्क्वायर से उस रूट को कैंसिल किया, तो r इक्वल्स टू a माइनस बी आ गया, क्लियर है। तो आगे आप डायरेक्शन वगैरह भी फाइंड आउट करी थी हम लोगों ने, जो कि टेंजेंट बीटा से होती है, बीटा अभी भी वही है, कहीं नहीं गया, वो भी वही आपका टेंजेंट बीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है sq, बेस कितना है oq, oq मींस op plus pq, op plus pq, sq कितना हुआ b sin थीटा, कहां गया ये रहा। उसके बाद op कितना है, ये रहा, एंड पी क्यू। सो दिस इज योर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक मिनट में जाता हूँ साइड, कर लो नोट, ले लो स्क्रीनशॉट ले लिया, पॉज भी कर सकते हो इस पार्ट पे, अब तो मैं आऊंगा दोबारा वापस। सो दिस इज योर पैरेललोग्राम लॉ, काफी जल्दी खत्म कर दिया मैंने, क्योंकि यार ट्रायंगल लॉ सेम है पूरा का पूरा, अगर आपको एक ही चीज देखनी है ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो आप ट्रायंगल लॉ कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, अदरवाइज काइनेमेटिक्स के नाम से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, बाकी प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हो, आपकी मैथमेटिकल टूल्स वाली भी है और यूनिट मेजरमेंट वाला पूरे के पूरे मैंने डाल दिया। अगर बाय चांस आप प्रॉपर साइड में हो तो आप क्लास 12th की भी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चल रही है, इलेक्ट्रोस्टैट खत्म करा चुका हूं, करंटली इलेक्ट्रिसिटी भी उसमें खत्म होने वाला है, और भी अच्छी अच्छी न्यूज़ देता रहता हूं मैं यार, कुछ भी हो, मतलब कुछ भी इवेंट होता है, कुछ भी हो रहा है यार, तो मैं उसकी अपडेट भी आप लोगों के पास लाता रहता हूँ।
तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, देखता हूँ मैं क्या लेके आऊंगा, अभी देखना पड़ेगा। आप लोग तब तक पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें, ठीक है? और घर से बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले, कोशिश करें ना ही निकले, कुछ ज़्यादा अर्जेंट हो तो ही निकले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई रियली रियली अप्रिशिएट योर टाइम, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।